खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आक्रोशित किसानों ने कृषि उपज मंडी के गेट में ताला जड़ दिया। इसकी जानकारी नरसिंहगढ़ एसडीएम सिद्धार्थ जैन को लगी तो उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी हुकुमचंद लाड़िया को मौके पर भेजकर मामले की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक तो हमारी फसलें कम दाम में बोली लगाकर खरीद रहे हैं, साथ ही जब चाहे जब खरीदी बंद कर हमें परेशान कर रहे हैं। हम लोग सुबह से सोयाबीन लेकर मंडी में भूखे प्यासे बैठे हैं और व्यापारी खरीदी बंद कर चले गए। जब हमने इसकी शिकायत मंडी प्रबंधक व कर्मचारी से की तो उन्होंने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो हम लोगों ने मजबूर होकर मंडी गेट पर ताला लगाया और हम तभी ताला खोलेंगे जब हमारी सोयाबीन खरीदी जाएगी। हम लोग किराए का ट्रैक्टर लेकर आते हैं। किसानों की बात सुनकर थाना प्रभारी मंडी कर्मचारी से बात कर व्यापारियों को बुलाकर किसानों की सोयाबीन की बोली लगभग किसानों को शांत किया। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि मंडी में ना लाइट है ना ही पीने की पानी की व्यवस्था है और तो और खाने के लिए मात्र एक कैंटीन है। आक्रोशित किसानों ने बताया हमें रात भर ट्रैक्टरों पर ही सोना पड़ता है। जब हमने इस बारे में मंडी कर्मचारी से इन समस्याओं को लेकर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम लाइट और पानी की व्यवस्था जल्द ही ठीक कर देंगे। पहली बात तो भाव में ये जो इच्छा हो रही है अपने हिसाब से खरीद रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब इच्छा हो तब आ जाते हैं, क्या नाम से नीलामी स्टार्ट कर देते हैं सर। ये कोई तरीका थोड़ी है सर। तो इसे मंडी प्रबंधक आपकी कोई सुन रहा है? कोई किसी भी टाइप की कोई हमारी नहीं सुन रहा है सर। यहाँ अगर सुना होता था मैं अभी 9:30 बजे समथिंग बजे हैं। ये मंडी का परेशान नहीं होते सर, बजने वाले मंडी सर, लेडीज परेशान हो रही है। राजगढ़ से रोहित राजपूत की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ खबर 9।